क्या दे, क्यों क्या कहना चाहूँगा? यही जो हमारे दुर्गा मंदिर फैजदास में जो थोड़ा बहुत आपस में मनमुटाव था, उसको जब हमारे को पता चला, भाई साहब जो हमारे ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं, उन्होंने बहुत ही आगे होके इस मसले को सुलझाने के लिए हमारे से संपर्क किया, तिलकराज जी और मेरे से और हमारी जो मंदिर की कमेटी है उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा जैसे भी है, जो ये समाज में गलत मैसेज आता है उसको आप हल करें। तो वैद्य साहब ने हमारे को कहा जैसे भी है, हमने अपनी कमेटी को भी कहा भी चलो गलतियां भी अपनों से होती हैं, अगर कोई गलती किसी ने की है तो उसको हम रल मिल कर उसको ख़त्म करें। इसीलिए जो आज है, ये हमने सारी गलतियां जो भी मोटी मोटी हुई हैं उनको हल कर लिया है। और हमारी जो कमेटी है, जैसे मोहन सिंह जी प्रधान हैं, ये पहले भी फाउंडर प्रधान भी रहे हैं, इन्होंने काम किया है, लेकिन हर एक को साथ में लेके चलना चाहिए। तो बात वो अपने मुँह से उन्होंने कही है कि कई जगह गलतियां हो जाती हैं, रह जाती हैं, कोई प्रेशर होता है कैसे है, लेकिन ये काम बहुत बढ़िया हुआ है। और आगे भी जो नई कमेटी आई है, ये सारा ये आपसी तालमेल की वजह से आगे मंदिर का जो निर्माण काफ़ी बाकी है, हमारी बेसमेंट का काम है और गेट के काम है, इन काम को मैं कहूँगा ये नई कमेटी रजेश जी प्रधान बने हैं, ये सबको साथ लेके विचार विमर्श करके इसको आगे पूरा करें ताकि जो कमियां हैं वो दूर हो सके। बिल्कुल सर, एक चीज़ पूछूंगा कि आज जो ये फैसला हुआ है, कोई इसमें राजनीतिक मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, ये बहुत मतलब कि मैं भी बधाई देना चाहूँगा आप लोगों को कि राजनीति कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, किस तरह देखते हो इस चीज़ को जब ऐसे फैसले होते हैं? देखो ये राजनीति, वैसे तो हम तो हमेशा कहते हैं मंदिर गुरुद्वारा धार्मिक जो संस्थाएँ हैं उनमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बंदे इसमें कोई गलत पाठ अदा करते हैं वो बिल्कुल गलत होता है, वो समाज के लिए गलत मैसेज आता है। ये जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो हमारे ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं वैद्य साहब, उनका बहुत तजर्बा है, जिन्होंने उन्होंने बहुत जल्दी इसको आगे बात को बढ़ने नहीं दिया, एकदम जहां से उठी थी वहीं दबा दिया। अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।